अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को रोज सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, आज की भी हमारी वीडियो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हाई एंड रीटचिंग किस तरह करते हैं। काफी ज्यादा डिफरेंट सी रीटचिंग की वीडियो मैंने क्रिएट की है, जो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करके उनको भी वॉच करके अपनी स्किन की हाई एंड रीटचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट सी वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, देन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इंशाल्लाह आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके ऊपर स्किन की रीटचिंग करेंगे और इस पिक्चर को एल्बम डिजाइन के अंदर कन्वर्ट करके अपने पिक्चर को कवर पिक्चर में डिजाइन करेंगे। तो इंशाल्लाह टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो भाई मेरे चैनल के ऊपर नया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ऑल करें। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट एंड शेयरिंग जरूर कीजिएगा। तो सेकंड जो मैंने आप लोगों को यह बताया गया एल्बम डिजाइन कवर फोटो के अंदर करना है, इस तरह की एल्बम डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो गाइस इसके अंदर जो रीटच का एक्शन है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये रीटचिंग का हाई एंड रीटचिंग का एक्शन है, जो आप अडोब फोटोशॉप के अंदर यूज करके अपनी पिक्चर को काफी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अडोब फोटोशॉप के अंदर आ जाते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑलरेडी इसके अंदर एड किया है। ठीक है, तो इसके ऊपर स्किन की रीटचिंग करेंगे, रीटचिंग करके इस पिक्चर को कवर डिजाइनिंग के अंदर कन्वर्ट करके अपने पिक्चर को काफी अच्छे से बेटर देन सी एडिटिंग करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन किस तरह एड करेंगे। ठीक है, तो विंडो के अंदर जाएंगे, एक्शन के अंदर जाएंगे, यहां पर ये मेरा एक्शन ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, इसे मैं डिलीट कर देता हूं, देन आप लोगों को ये समझाने के लिए कि एक्शन को किस तरह रीलोड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक करता हूं, यहां पर लोड एक्शन के ऊपर क्लिक करता हूं। तो यहां पर इजी वे के अंदर जहां पर मैंने अपना एक्शन रखा हुआ होगा वहां पर इजिली डेस्कटॉप पर मैंने रखा, तो इजिली डेस्कटॉप के ऊपर से सिलेक्ट करके इसे ओपन कर लूंगा। ठीक है, तो गाइज ये देखे हमारे सामने इस तरह की रीटचिंग का फोल्डर आ चुका है, इसे नीचे करेंगे, यहां देखे यहां पर इजिली प्ले कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे सामने ग्रुप बन चुका है। ठीक है, ग्रुप के अंदर जो है ये हमारी दो लहरें आ चुकी है। ठीक है, तो ये देखें ये ग्रुप बन चुका है, ग्रुप वन है। ठीक है, इसके अंदर ये दो लहरें आ चुकी हैं, ये सेकंड वाली जो लहर है इसके ऊपर जो है हम रीटचिंग करेंगे। ठीक है, तो गाइस काफी इजी सा मेथड है, इंशाल्लाह आप लोग यूज करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छी अच्छी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। तो देन यहां पर हम मिक्सर टूल ब्रश को लेते हैं। ठीक है, तो मिक्सर टूल ब्रश की इसका वेट जो है 20 है, लोड 75 है, मिक्सर 19 है, फ्लो इसका 100 है। ठीक है, तो इसे इजीली आप इस सेटिंग पर कन्वर्ट करके आप इसे जो है इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। देन आप भाइयों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी अच्छी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। ठीक है, तो ये मिक्सर टूल ब्रश मैंने ले लिया। ठीक है, तो इसे इजीली मैं यहाँ पर स्लाइड करूंगा, तो ये देखे हमारी स्किन जो है हाई एंड रीटचिंग हो रही है। ठीक है, बाद में इसके अंदर कैमरा फिल्टर के अंदर जाके इसके ऊपर कलर गाइडिंग करेंगे, बहुत ही अच्छी सी कलर गाइडिंग करनी है, व्हाइटिंग स्किन की कलर गाइडिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके एक वीडियो क्रिएट करता हूँ, देन आप भाइयों का सपोर्ट चाहिए, इंशाल्लाह आप लोग सपोर्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। तो देन ये देखे मैंने इसकी इजी वे के स्टेप के साथ इसकी स्किन की रीटचिंग कर रहा हूं, तो इंशाल्लाह आप भी इसी तरह ही अपनी पोर्ट्रेट की रीटचिंग करके अपनी स्किन को और भी ज्यादा बेटर देन और भी ज्यादा कलरफुल कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये देखे मैं इस ग्लासेस के अंदर भी इसके इजीली यूज कर रहा हूँ स्किन की रीटचिंग। ठीक है, तो गाइज मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए थोड़े वक्त में कुछ ज्यादा लेके आऊँ। ठीक है, कुछ थोड़े वक्त में कुछ ज्यादा समझाने की कोशिश करूँ, जिससे आप लोगों को भी फायदा और मेरा भी टाइम जो इतना ज्यादा मैं इंक्रीज करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो के लिए, तो आपको भी फायदा हो और मुझे भी कुछ सिखाने का मजा आया आप लोगों को। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा मेरे चैनल से। तो मेरे चैनल के ऊपर 100 से अबव जो है वीडियो मैंने अपलोड की गई है। ठीक है, तो वहां पर आप लोग इंशाल्लाह जरूर वॉच कीजिएगा, काफी इंप्रेसिंग सी वीडियो है। तो डेली लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो काफी कुछ आप लोगों को साथ शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि काफी ज्यादा डाटा जो आप लोगों के साथ शेयर करना है, 2 टेराबाइट या 12 टेराबाइट जो डाटा है, जो अडोब फोटोशॉप का जो बैकग्राउंड है, एक्शंस है, जो काफी कुछ है जो आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो काफी कुछ आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट जो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा वो आप लोगों के लिए अनलिमिटेड एक्शन बॉक्स लेके आऊंगा। ठीक है, तो उसके अंदर अनलिमिटेड एक्शन होंगे, जो कलरफुल एक्शन होंगे, काफी डिफरेंट से एक्शन होंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग ये यूज करके अपने पिक्चर को काफी ज्यादा बेटर देन कर सकती हैं। ठीक है, तो गाइज ये देखें आप लोगों के सामने इसका इजी वे के स्टेप के साथ स्किन की रीटचिंग जो है मैं कर रहा हूं, तो इंशाल्लाह इसी तरह ही आप लोग भी अपने स्किन की रीटचिंग करके अपने पिक्चर को और भी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोग वीडियो को वॉच किया करें, एंड तक वीडियो को वॉच किया करें। एंड तक वीडियो वॉच करने से ये है कि आपको इजीली परफेक्टली
गाइजेशन हो जाती है कि आप लोगों को समझ लग जाती है किस तरह ये सात भाई ने इस तरह के वर्क करके हमें लोगों को समझाया। तो इंशाल्लाह वीडियो को एंड तक वॉच किया करें, ठीक है। तो काफी ज्यादा ट्रिक्स होती हैं जो मैं वीडियो को लास्ट पर भी ही आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, फर्स्ट पर भी बताता हूँ। तो आप वीडियो को फुल एंड तक वॉच किया करें तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। अगर किसी भाई को मेरे चैनल से कुछ भी फायदा हुआ है तो इंशाल्लाह मुझे वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो उससे ये होता है कि मेरी हौसला अफजाई होती है कि मेरे चैनल से काफी ज्यादा मेरे व्यूवर्स ने कुछ सीखे, तो मुझे भी दिली खुशी होती है कि किसी ने मेरा वर्क सीखे और खुद का वर्क कर रहा है, ठीक है। तो गाइस ये देखें हमारी स्किन की रीटचिंग हो चुकी है, ठीक है। मैं आप लोगों को बिफोर आफ्टर शो करवाता हूँ, ये बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो इसे जो है हम मर्च विजिबल कर लेंगे, मर्च विजिबल, ये देखें हमारी सारी लायरें एक हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब हमने इसका जो बैकग्राउंड है उसको ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पर मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, सिलेक्ट सब्जेक्ट करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली जो मेरा सब्जेक्ट है उसे जो है सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसी तरह ही आप भी अपनी पिक्चर को यूज किया करें। ये लेटेस्ट वर्जन Adobe Photoshop का 2020 मॉडल है। तो अगर किसी को Adobe Photoshop 2020 मॉडल भी चाहिए तो मेरे चैनल पर विजिट करें, तो इंशाल्लाह चैनल के अंदर ही मैंने Adobe Photoshop का 2020 का मॉडल अपलोड किया हुआ है। वहां से आप लोग डाउनलोड करके अपनी पिक्चर्स को काफी ज्यादा बेटर देन कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इजिली मैं सिलेक्ट एंड मार्क्स यूज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है इसे रिफाइन एजेस बोलते हैं, रिफाइन एजेस रूल यूज किया करें बैकग्राउंड की कटिंग के दौरान, ठीक है। जब भी आप आउटडोर इंडोर पिक्चर जब भी कटिंग करते हैं तो रिफाइन एजेस रूल यूज किया करें, उससे जो है आपकी पिक्चर काफी ज्यादा बेटर देन हो जाती है, ठीक है। तो ये देखें मैंने रिफाइन एजेस यूज किया, यहाँ पर मैं स्मूथ को थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ, कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ, यहाँ पर मैं ओके करता हूँ, तो ये हमारी सिलेक्शन हो चुकी है, ठीक है। कंट्रोल जे करूंगा, ये हमारी लायर अलहदा हो गई है, ठीक है, अलहदा लायर में आ गई है। अब कंट्रोल को क्लिक करके रखूंगा या फिर माउस की मदद से यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये हमारी सिलेक्शन जो है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगी। अब दूसरी लायर के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर सिलेक्ट इनवर्स करना, सिलेक्ट के अंदर जाएंगे, इनवर्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल आई, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे ये हमारा बैकग्राउंड जो है सिलेक्ट हो जाएगा, इसे भी कंट्रोल जे करेंगे हमारा बैकग्राउंड भी अलहदा हो गया और देन हमारा सब्जेक्ट भी अलहदा हो गया। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है। अब जो बैकग्राउंड है जो हमने दूसरी लायर है नंबर टू वाली लायर है इसके ऊपर ब्लर लगाएंगे, फिल्टर ब्लर गाशियन ब्लर, गाशियन ब्लर को जब भी हम लगाएंगे 100 से अबव भी लगाएंगे, ये देखे 119 मैंने पे ओके किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है सब्जेक्ट जो है इजीली के अंदर जो बैकग्राउंड है वो कवर हो चुका है। मिक्सर टूल ब्रश को फिर सिलेक्ट करता हूँ, जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर जो है यूज करता हूँ हल्का हल्का सा, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड के अंदर जो छोटे छोटे निशान रह भी गए हैं वो भी इजीली कवर हो जाए, ठीक है। तो इससे काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलता है, क्योंकि ये छोटे छोटे ट्रिक्स होती हैं जो गौर से देखने से पता चलती है। आप लोग क्या करते हैं बैकग्राउंड को अलहदा किया, पीछे बैकग्राउंड प्लेस किया, तो उससे आप लोग कहते हैं हमारी पिक्चर जो क्रिएट होगी। छोटी छोटी चीजों को आप लोग नजरअंदाज में रख के वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वर्क काफी ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये देखें मैंने बैकग्राउंड को इसे मर्ज डाउन करूंगा, ये हमारी नीचे वाली दोनों लहरों को एक करने के लिए मर्ज डाउन किया, ठीक है। अब जो बैकग्राउंड आ गया उसे कंट्रोल शिफ्ट एक करके मैं कैमरा फिल्टर के अंदर ऐड करूंगा, ठीक है। कैमरा फिल्टर के अंदर इसका थोड़ा सा कलर भी यानी कि अच्छा करेंगे और इसके अंदर जो कलर है इक्वल करेंगे, वाइब्रेंस को भी कम कर लेता हूँ, इसे भी कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ी सी एफेक्ट्स लगा लेता हूँ, ये थोड़ी सी एफेक्ट्स ये होती है जो हमारे बैकग्राउंड के कॉर्नर है वो इजिली डार्क हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंट्रोल बी करूंगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कलर बैलेंस, कलर बैलेंस को करूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ये कलर मैंने इधर किया, ठीक है, इधर थोड़ा सा इधर किया, यहाँ पर मैं ओके करता हूँ, ये देखिए हमारा बैकग्राउंड इजीली ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ई करूंगा ये आर लहरों को एक करने के लिए, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट ई नहीं करते यहाँ पर मर्च विजिबल भी आप लोग कर सकते हैं। तो आप जो है इसे कैमरा फिल्टर के अंदर लेके जाते हैं, वहां पर हम इसकी कलर गाइडिंग करेंगे, बाद में इसे कवर फोटो का एल्बम जो है डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर को थोड़ा सा ज्यादा करूंगा, कम करूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा प्लस के ऊपर करूंगा, ये देखिए हमारा कलर कितना अच्छा है, व्हाइट आ गया। तो यहाँ पर रेड को थोड़ा सा ज्यादा करूंगा, हाई पास को भी थोड़ा सा ज्यादा करूंगा, शेडो को भी थोड़ा सा ज्यादा करूंगा। तो ये देखें गाइज हमारे सामने पिक्चर जो है पोर्ट्रेट काफी अच्छे से जो है एडिट हो रही है। तो इंशाल्लाह ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, सिर्फ आप भाइयों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो काफी कुछ आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। तो ये ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर को थोड़ा सा मैं कम करता हूँ, ठीक है। हाईलाइट को भी थोड़ा सा कम करता हूँ, शेडो को थोड़ा सा ज्यादा कर ले, तो इससे जो है हमारी पिक्चर जो है काफी अच्छे से जो है लुक वाइज आएगी, ठीक है। तो ये देखें हमारी पिक्चर जो आ चुकी है, यहाँ पर मैं लास्ट पर जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कलर गाइडिंग करूंगा, ब्लू को भी थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ ऊपर, ब्लू प्राइमरी को भी ज्यादा करता हूँ, ग्रीन प्राइमरी को भी थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ,
यहाँ पर इसे भी थोड़ा सा प्लस पर करता हूँ, ठीक है, रेड को भी थोड़ा सा प्लस पर, यहाँ पर भी रेड को थोड़ा सा प्लस पर, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रास्ट को थोड़ा सा ज्यादा, ग्रेविटी थोड़ी सी लगाएंगे, वाइब्रेंस थोड़ी सी लगाएंगे, इससे हमारी पिक्चर जो काफी ज्यादा लुक वाइज आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओके करता हूँ, ये देखे हमारी पिक्चर किस तरह की एडिट हो चुकी है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को ये बोला था कि मैं इस पिक्चर को कवर फोटो के अंदर कन्वर्ट करेंगे, कवर फोटो एल्बम डिजाइन करेंगे, तो वेरी इजी सा मैथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइल के ऊपर जाऊंगा, न्यू के ऊपर फाइल जाऊंगा, क्योंकि मैंने न्यू एक लेयर लेनी है, न्यू लेयर के ऊपर इस चीजों को पेस्ट करके अपने एक एल्बम क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये न्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये न्यू डॉक्यूमेंट्स हमारा आ चुका है, इसके अंदर हम अपना पिक्चर का जो डेस्कटॉप का साइज है उसे जो है कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसे जो है सेट करके अपनी पिक्चर को काफी ज्यादा बेटर देन करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो आप लोग सपोर्ट करते रहे, तो बहुत ही अच्छी अच्छी सी इंप्रेसिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहा। तो गाइज हमारे सामने न्यू डॉक्यूमेंट्स आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर इसका मैं नेम जो है सेव करूंगा, नेम इसका जो है मैं कवर पर क्लिक करूंगा, ठीक है, COVER कवर, ठीक है। ये हमारा कवर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमें पूछ रहा है पिक्सल के अंदर आप लोगों को साइज चाहिए, इंच की इंचीज के अंदर चाहिए, पॉइंट के अंदर चाहिए, पिक्स के अंदर चाहिए। मैंने जो है पिक्सल के अंदर वर्क करता हूँ, ठीक है। पिक्सल से ये है कि हमारे पिक्चर का जो पिक्सल है वो कभी भी फटेगा नहीं। अगर आप 50 फीट की भी अगर आप फ्लेक्स को प्रिंट करवाते हैं तो आपका पिक्चर जो है इक्वल कलर के अंदर प्रिंट होगा, तो आपकी पिक्चर शार्पनेस के अंदर जो है प्रिंट होके आएगी, ठीक है। तो साइज जो वेट इसका 70 रखता हूँ, हाइट इसकी 4000 रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ, तो ये देखे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को आ जाएगा, कवर फोटो की लाइट जो हमने क्रिएट कर ली है। तो यहाँ पर ये हमारे आ गया, कंट्रोल ए करूंगा, कंट्रोल ए से हमारी पूरी पिक्चर के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इजी वे के स्टेप के साथ इसे जो है इजी वे के साथ उठा के दूसरी लाइट के ऊपर जो है मैं कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है, ट्रांसफर कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ओके किया, ये देखे हमारी पिक्चर आ चुकी है। अब यहीं पर इसे डुप्लीकेट लेयर कर लेता हूँ, ये डुप्लीकेट लेयर हो गई है, ठीक है। जो नीचे वाली लेयर है उसे जो है मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखे मैंने दूसरी लेयर को बड़ा कर लिया, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर मैं पिक्चर को थोड़ा सा यहाँ पर रख के इंक्रेज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ओके करूंगा, ठीक है। तो थोड़ी सी पिक्चर के ऊपर ना, थोड़ी सी पिक्चर के ऊपर इसे मैं थोड़ा सा लो कर लूंगा, ठीक है। तो ये लो हो गई पिक्चर, ठीक है। तो अब जो तीसरा मेथड है वो ये मेथड है कि जैसे कि ये मैं आप लोगों को पिक्चर शो करवा रहा हूँ, तो पिक्चर के अंदर राउंड तीन पिक्चर को मैंने रोटेट करके एक छोटी सी पिक्चर जो है क्रिएट की है। तो उसी तरह की पिक्चर किस तरह क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये पिक्चर है, ठीक है, इसे किस तरह का किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज इसकी ग्लासेस का कलर जो है येलो येलो टाइप है, इसे जो मैं लॉक ऑन लॉक कर लेता हूँ, इसे थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर सिलेक्शन को मैं खत्म कर लेता हूँ। तो ये देखे मैंने सिलेक्शन को थोड़ा सा खत्म किया, कंट्रोल जी सिलेक्शन को खत्म, ठीक है। तो अब इसे जो है छोटे से रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है, जितना हमें जो है पीछे से इसका फ्रेम चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पर नीचे एक लेयर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नीचे आता हूँ, यहाँ पर हम इजीली कलर जो है इसका एडजस्ट करेंगे, ये कलर जो है इसका ग्लासेस का है। तो यहीं पर इसे मैं ड्रॉप करके कलर को, ये देखे हमारे पिक्चर के ऊपर फ्रेम भी ऐड हो गया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ई करूंगा, ये दोनों लेयर को एक करने के लिए, इजी वे के साथ इसे उठा के यहाँ पर रखूंगा, ठीक है। तो इसे सबसे छोटा करूंगा, ठीक है, इसे सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर जो है कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह पिक्चर हमारी ये आ चुकी है, ठीक है। तो इसे कंट्रोल जे करूंगा, कंट्रोल ये करूंगा, ये देखे हमारी कॉपी लेयर हो चुकी है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली लेयर को रहने दूंगा, इसे थोड़ा सा इधर को रोटेट कर लूंगा, जो नीचे वाली लेयर है उसे इधर से इधर को रोटेट कर लूंगा, ठीक है। तो ये देखे हमारे सामने गाइस कितनी अच्छी सी कवर फोटो के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक है। हमारी फर्स्ट पिक्चर ये थी, ठीक है, इसे हमने अडोब फोटोशॉप के अंदर एडिट करके इसे कवर फोटो के अंदर कन्वर्ट किया, हाई एंड रीटचिंग की है। तो ये चीजें जो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, देन आप लोगों के साथ ये चीजें किसी ने भी शेयर नहीं करनी, इस तरह की डिजाइनिंग और इस तरह की रीटचिंग, इस तरह की ग्राफिक आप लोगों के साथ कोई भी शेयर नहीं करेगा। तो इंशाल्लाह आप चैनल को जरूर विजिट किया करें, चैनल को विजिट किया करें, चैनल के वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट के अंदर कमेंट जरूर किया करें। उससे ये होता है कि गाइस मेरी हौसला अफजाई होती है कि आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो देन इंशाल्लाह इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियो एंड ट्रिक्स एंड आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। सिर्फ आप भाइयों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह काफी कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा, वीडियो भी शेयर करूंगा, एडिटिंग के ट्यूटोरियल भी मैं बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए माइंड के अंदर जो मैंने सोचे हुए हैं, जो मैंने राइट किए हुए हैं, जो मैंने लिख के रखे हुए हैं कि इस तरह की जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी है, ट्यूटोरियल वीडियो शेयर करनी है, उसकी जो मैंने राइटिंग लिखी होती है, इंशाल्लाह सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह को बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी, अल्लाह हाफिज।